तो दोस्तों, आज हम भारत के संस्कृत शहर कोलकाता में आ पहुँचे हैं और हमारी गाड़ी इस वक्त पहुँच रही है भारत के सबसे ऊंचे और लंबे पुल पर, जिसका नाम है विद्यासागर सेतु। आज हम सफ़र करेंगे इस विद्यासागर सेतु से साइंस सिटी कोलकाता तक। दोस्तों, साइंस सिटी कोलकाता तक की दूरी है करीबन 12 किलोमीटर और हमें समय लगेगा 22 मिनट। तो चलिए टोल टैक्स कटवा लेते हैं इस गाड़ी का, उसके बाद हम ब्रिज के ऊपर चलते हैं जो कि भारत का सबसे विशाल और सबसे लंबा ब्रिज है। तो दोस्तों, हमारे ड्राइवर ने टोल टैक्स कटवा लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम भारत के सबसे ऊंचे और लंबे ब्रिज को देखेंगे जिसका नाम है विद्यासागर सेतु। तो यहाँ से कोलकाता शहर दिखता है। तो ये रहा दोस्तों कोलकाता का सबसे ऊंचा और लंबा ब्रिज विद्यासागर सेतु। बहुत ही विशाल ब्रिज है और बहुत ही ऊंचा है। बहुत बेहतरीन ब्रिज है कोलकाता का यह विद्यासागर सेतु। हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है, बीच में गंगा। दोस्तों, इस वक्त हम ब्रिज के नीचे उतर चुके हैं और ये बाजू में जो आप देख रहे हैं यह है रेस कोर्स। दोस्तों, शनिवार और रविवार को यहाँ पर घोड़े का रेस होता है और इस जगह को हेस्टिंग भी कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साफ सुथरी सड़कें और खूबसूरत सड़कें। अब दोस्तों, हम कोलकाता के उस फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे जो कि भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर है और इसकी दूरी है 9.5
2 किलोमीटर, जो कि बहुत ही लंबा ब्रिज है। हम उस ब्रिज पर अब चढ़ेंगे और चढ़ते समय आप देखिएगा बाजू में विक्टोरिया हाउस, रानी विक्टोरिया का महल, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने के समय से है। जब अंग्रेज राज करते थे भारतवर्ष में, तब कोलकाता भारत की राजधानी थी और इसी महल से भारत का काम काज किया जाता था। तो ये रहा विक्टोरिया हाउस और हम माँ फ्लाई ओवर पर चढ़ चुके हैं और जिसकी दूरी है करीबन 9.2 किलोमीटर, बहुत ही लंबा ब्रिज है। दोस्तों ये ब्रिज वहीं ख़त्म होता है जहाँ पर साइंस सिटी है कोलकाता का, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा साइंस सिटी। और इस ब्रिज के बनने से हम लोगों को साइंस सिटी जाने में बहुत ही कम समय लगता है। पहले करीबन नहीं भी तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता था विद्यासागर सेतु से साइंस सिटी जाने में, लेकिन अभी तो माँ ब्रिज के ऊपर चढ़ने के बाद 15 मिनट में हम साइंस सिटी पहुंच जाएंगे। खूबसूरत बिल्डिंग है माँ ब्रिज के आसपास, देखिए। दोस्तों कोलकाता में पुराने ज़माने की झलक भी दिखा करती है। यहाँ पर ऐसे भी कुछ बिल्डिंगें हैं जो कि 250 साल पुरानी भी है। दोस्तों चलते चलते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। यह है लोहे का ब्रिज और इसके नीचे है रेलवे लाइन, जो लाइन सियालदह से जुड़ती है। लंबा ब्रिज है, 9.2 किलोमीटर का ब्रिज है ये, जो कि आपको साइंस सिटी डायरेक्ट लेकर जाएगा यह ब्रिज। इस चैनल में आपको इस वीडियो के बाद साइंस सिटी का भी वीडियो देखने मिलेगा। तो दोस्तों हम थोड़ी देर में ब्रिज से उतरने वाले हैं और उसके बाद करीबन नहीं भी तो 500 मीटर या 700 मीटर की दूरी पर साइंस सिटी है। तो देख सकते हैं आप कितनी सुंदर और कितनी विशाल बिल्डिंग है इस जगह पर। बहुत सुंदर एरिया है साइंस सिटी के आसपास का।
अब हम ब्रिज से नीचे उतर रहे हैं और बिल्कुल बाजू में साइंस सिटी है। तो माँ फ्लाईओवर से हम नीचे उतर चुके हैं और जो कि हमें रास्ते के दूसरे साइड जाना पड़ेगा। तो कुछ दूर चलने के बाद ब्रिज के नीचे से हम उस रास्ते के दूसरे साइड में जाएंगे और फिर हम साइंस सिटी पहुँचेंगे। तो हम लोग साइंस सिटी के एरिया में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पर साइंस सिटी का मेन गेट मिलेगा हमें, हम वहां पर उतरेंगे अपनी गाड़ी से। ये भी साइंस सिटी का एक भाग है। इसके गेट की तरफ चलते हैं, हम वहां उतरते हैं। तो दोस्तों हम साइंस सिटी पहुंच चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।